मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल फिल्टर एक्स निंजा टेल्स। तो ये जो शेर है, ये जो शायरी है, आज के हमारे वीडियो के कंटेंट पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हम अकेले ही थे, और ये इसका और मेरा दोनों का प्लान था कि हम चैनल स्टार्ट करेंगे। बट आप सबकी सपोर्ट से, एक एक शख्स जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिसने हमारे वीडियोस को लाइक किया और जिसने थ्रू आउट हमें सपोर्ट किया, और आज हम इस, चाहे ये छोटा मुकाम है या बड़ा है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे लिए तो ये एक मुकाम है हमारे लिए। तो आज हमने, इट्स ऑलमोस्ट वन ईयर, हमने लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट किया था, 2020 के सितंबर में, 12 सितंबर को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। तब नहीं पता था कि सब्सक्राइबर्स कब होंगे, कैसे होंगे, हम कैसे 1000 के का मार्क पूरा करेंगे, कैसे होगा नहीं पता था। बट हमें ये पता था कि हमें क्या करना है, बस हमें वीडियोस बनाने का बहुत शौक था तो हमने स्टार्ट किया। बट इतना सपोर्ट, इतना प्यार हर जगह से मिला कि हमने वन ईयर के अंदर अंदर, मतलब वन ईयर अभी ख़त्म ही हुआ है और हमने 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। And this is all because of all of you, as in, मतलब मेरे पास, I have no words. We were thinking कि जब हमारे 1K नहीं हुए थे, बहुत कम थे, तो हम सोचते जब हमारे 1K हो जाएंगे तो हम बहुत शोर मचाएंगे और बलून्स फोड़ेंगे, पटाखे जलाएंगे, बहुत सेलिब्रेट करेंगे। हमको बढ़ने की स्पीड से लगा था, हमें कम से कम 1 or 2 years दूसरे सक्सेसफुल यूट्यूबर के जैसे लगेंगे, पर लेकिन हमारे 1 year में ही इतने सारे हो गए। तो बट जब ये हुआ तो दिस फीलिंग, यू नो, इट वाज नॉट सिंकिंग इन कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमें लगा कि जब वो 1K आया और तो वी वर लाइक, ये इज इट रियली हैपनिंग, ये सच में हो रहा है। मतलब हमारे पास, मतलब 100 times हमने खोल खोल के देखा कि इज़ इट ट्रिपल नाइन, बस एक बचा है, अच्छा दो बचा है। और जब 1K हो गया तो हमारे पास, यू नो, वी डिडंट हैड एनी वर्ड्स, हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, हम बिल्कुल क्वाइट हो गए, बिकॉज दैट फीलिंग, यू नो, इट वाज अमेजिंग। तो हम शोर नहीं मचा रहे, वी आर विथ फोल्डेड हैंड्स, हमारे विथ फुल ग्रैटिट्यूड, वी वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर, यू नो, आई मेड जोक एज यूजुअल, बट आई विल नॉट, इट्स नॉट, यू नो, एक ऐड आती थी बहुत साल पहले, बिकॉज मुझे एड्स देखने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पसंद है, कि मूवीज़ से ज़्यादा मुझे एड्स पसंद होती है, मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। तो व्हेन वी, यू नो, व्हेन इन 90s देयर वाज अ एड ऑफ वन मेट्रोमोनियल, दिस थिंग, मेट्रोमोनियल साइट की एक एड थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा वो एड था, shaadi.com था या समथिंग, कुछ ऐसा था। उसमें क्या होता है कि एक जो फादर है वो अपनी बेटी के लिए ग्रूम देख ढूंढ रहा होता है, तो वो उसकी, वो जहाँ भी उसकी डॉटर जाती है वो पीछे पीछे रनिंग करते हुए जाता है उसके, और जो उसके फादर होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है सहरा लेके। अगर उसकी बेटी किसी एक लड़की को देखती है तो वो, उसको लगता है अच्छा ये उसके फादर, उसी पे वो जो सहरा होता है उसको, उस पे फ्रेम कर लेते हैं, फिर वो कहीं और देखती है तो उस पे फ्रेम कर लेते हैं कि ये, मतलब वो हर एक बॉय में, हर एक मेल में उसको अपना एक ग्रूम दिखता है अपने बेटी के लिए। सिमिलरली इन आर केस, हम इतने ज़्यादा शिद्दत से लगे हुए थे कि हमें करना है, कि हम दोनों को हर बंदे में, मतलब हम कहीं भी जाते थे, हमें हर बंदा इंसान ही नज़र आता था, हमें वो एक सब्सक्राइबर नज़र आता था कि ये सब्सक्राइबर है। तो चाहे हम कहीं घूमने जाएं, चाहे हम हॉस्पिटल जाएं, चाहे हम मॉल जाएं, चाहे हम चाय पीने जाएं, चाहे किसी रेस्टोरेंट जाएं, चाहे हम रैंडम कहीं घूम रहे हैं, मैं केमिस्ट से मेडिसिन लेने गई, मेरे को वहाँ पर वो केमिस्ट वाला मेडिसिन दे रहा, तो मैं बोल रही हूँ, मैंने उनसे पूछा, भैया
आपका वाईफाई काम कर रहा है, आपके पास नेट है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तेरे साथ चलना मुश्किल हो गया है, तो किसी से भी चैनल सब्सक्राइब कराती हूँ। मैंने कहा यार शुरू में करने दो मेहनत, एक बारी मेरा बेस बन जाएगा फिर तो आई नो कि हो ही जाएगा। तो मतलब ये थी मेहनत हम सब हमारी तरफ से। ये भी बोलता था मम्मा, मतलब मैं ना इंसान मैं भी बोलता था मम्मा बंदा, मम्मा सब्सक्राइबर, मम्मा सब्सक्राइबर, मम्मा अपनी स्किल से जाके आपके पास फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेचर निंजा टीम। तो मैं उनको बोलता, तो मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मतलब कभी मुझे किसी ने भी, अननोन इंसान भी अगर मतलब खड़ा है और मैं उसे मिली हूँ और जरा सा अभी मेरी उसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, तो मैं बोलती थी क्या आप चैनल सब्सक्राइब करोगे? अच्छा क्या पर्सन फ्रॉम मार्केटिंग सेल्स, तो मेरे को ना हमेशा आई बिलीव इन नंबर्स, तो कोई मुझे बोलता था कि हाँ जी करा देंगे, चैनल सब्सक्राइब करा देंगे, तो मैं सबसे पहले पूछती थी आपकी कितने फ्रेंड्स हैं। नहीं, पहले अगर किसी से बोला सब्सक्राइब करोगे तो वो बोलते थे हाँ मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत सब्सक्राइब करा दूंगा, तो मैं कहती थी नहीं, डू नॉट टेल मी बहुत है, गिव मी योर फिगर कि कितने हैं। इफ यू कैन से यू हैव टू, टेल मी टू, डोंट से कि बहुत सारे हैं, बट दो बोला तो दो कराने पड़ेंगे। मतलब मैं बोलती थी, मैं पीछे बढ़ाती थी, अच्छा करे कि नहीं करे, अच्छा, और उसके बाद अगर कोई नहीं मतलब किसी ने नहीं भेजा या नहीं करा तो बोलती थी यार कमाल है, इतने साल हो गए तुमको दुनिया में आए, धरती पे आए, तुम अपने 5 अदर दोस्त नहीं बना पाए, तुम मतलब एकदम पीछे नहीं पड़ जाना। मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तेरे से जो है ना लोग भागने लगेंगे, तू इतना ज़्यादा लोगों के पीछे पड़ती है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, मुझे तो अपना काम करना है, करवाना है सब्सक्राइब, तो मैं करा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलो दिस इज़ फ्रॉम आर पार्ट, ठीक है, अब मैं आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज इट्स नॉट ओनली बोथ ऑफ अस हु वर वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू गेट सब्सक्राइबर्स, हम साथ साथ कंटेंट पे भी ध्यान दे रहे थे, हम अब हर वीडियो पे सोचते थे कि इम्प्रूव करें, कुछ अच्छा कंटेंट डालें। अभी भी हमने कुछ कोई ज़्यादा सेटअप नहीं बनाया, हम अभी भी फ़ोन से ही करते हैं, हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है। बस दो कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर, कैमरा भी नहीं है मेनली, वो फोन ही है, मेरा फ़ोन फर्स्ट, और ये जिस वाले हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मम्मा का फ़ोन है, ओप्पो A74, उसकी अनबॉक्सिंग हमने की हुई है, और मेरे वाले की अभी अनबॉक्सिंग नहीं हुई है, पर वो भी हम यूज़ करते हैं। तो मेन बात ये है कि दिस वॉज आर साइड ऑफ स्टोरी, कि हमने कितना अपनी तरफ से कितना मेहनत किया। और आज एक और बात मैं अपनी तरफ की बताती हूँ आपको, यू नो विच वॉज माई वीक पॉइंट, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं उस अपनी जो मेरे में कमी है मैं उस चीज़ को कैसे पूरा करूँ, बिकॉज वो मेरी एक कमी ये थी कि मुझे कंसिस्टेंसी की बहुत कमी थी मेरी लाइफ में, इन द सेंस कि इफ़ मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं उसको लंबा तक नहीं कर सकती, मुझे लंबा करने की, उसको कंप्लीट करने की आदत नहीं, मुझे उसको बीच में छोड़ देने की आदत नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है लाइफ में कि वो ऐसा ही हो जाता है कि वो मेरी चीज़ आधी ही रह जाती है बीच में। और ऑनेस्टली ये यूट्यूब का जो चैनल स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं, जो मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं मेरे हस्बैंड या फिर मेरी जो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्हें लगता था यार 2-3 दिन का शौक है, एक दो वीडियोस बनाएगी फिर छोड़ देगी, इतना लंबा तो करेगी नहीं। बट यही एक फर्स्ट चीज़ है मेरी लाइफ की जिसने मुझे मेरी उस वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प किया। उसमें हाँ एफर्ट मेरा भी गया, क्योंकि मेरा उसमें पैशन था, जुनून था, शिद्दत थी हम दोनों की, और इसका पूरा 100% 1000% इसका सपोर्ट था कि मेरी वो प्रॉब्लम से मतलब आई हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम। मैं कंसिस्टेंट रहने की हमने कोशिश की, हमने कभी सोचा था कि हम वीकली वीडियोस डालेंगे, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, जो मेरी सेकंड या थर्ड या फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो पर मैं ही था बिल्कुल और कोई नहीं था, और सेकंड या फिर थर्ड वीडियो पे भी मैंने एक मतलब कविता सुनाई थी, उसमें मेरे को मतलब 5 hours तक लगा उसको समझने में पूरी कविता। ट्रू, ही इज राइट,
उस चीज पे भी आएंगे कि हमने कंटेंट में थोड़ा शिफ्ट कैसे किया, पर मेन बात मैं ये बता रही थी कि मुझ में काफी कमी थी कंसिस्टेंसी की, बट इस चीज को मैंने एक एक कुछ ऐसा मिशन लेके नहीं स्टार्ट किया था, बट हाँ उसमें पैशन बहुत था हम दोनों का, इसीलिए वो हमने शुरू किया और थैंकफुली हम कंसिस्टेंटली उसको पूरा साल भर करते भी रहे, जबकि कहीं जाने का भी कोई स्कोप नहीं था, कोरोना बहुत ज़्यादा था लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था, बीच में भी सेकेंड थर्ड वेव भी आ गया था, तो कहीं जाने का कोई स्कोप नहीं था, फिर भी जब भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता या थोड़ा चांस मिलता बाहर जाने का तो हम चले जाते थे, स्पेशली इसीलिए कि हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने की उसे मतलब हमने बहुत कम चीज़ें, मैं बोलती थी आधी पहले वीडियो बना लो फिर उसको हम एंजॉय करेंगे मील भी और प्लेस भी, बट पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात है आदि ने भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, बिकॉज उसने कभी मुझे ये नहीं बोला है कि मम्मा नहीं करूँगा, अपनी स्टडीज़ मैनेज करना, अपनी स्कूल मैनेज करना, अपना होम स्टडी मैनेज करना और उसके बाद वीडियो के लिए भी टाइम निकालना, तो ये बहुत कमेंडेबल है। तो मेरे से ये अकेले पॉसिबल नहीं था, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन, आदि के बिना नहीं पॉसिबल था, तो स्पेशल थैंक्स क्या, ही इज़ माय पार्टनर, तो इसको थैंक यू क्या बोलना है, इट इज़ आर दिस थिंग, तो थैंक यू नहीं बोलना है। और कंसिस्टेंट तो हम हो गए यूट्यूब की वजह से, सो थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि हमें हम कंसिस्टेंट रहे अपनी वजह से, बट वो काम, ये प्लेटफॉर्म जो हमें यूट्यूब ने दिया है मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था ये कि हम, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको सेलिब्रिटी होना हो ज़रूरी है या फिर बहुत ज़्यादा जो आपके दिल में है वो रखो, दैट यू कैन पुट फॉरवर्ड, देर इज़ नो प्रॉब्लम कि आपका कंटेंट ये वो, मस्ती भी कर सकते हैं, जितना पता है उतना भी बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, तो आई लव दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम माई हार्ट। अब ये थी हमारे हिस्से की बात, अब मैं थैंक यू उन सबको करना चाहती हूँ, सबको जिन्होंने मेरे मिशन को अपना मिशन बनाया। Oh my God! Wow! अब मैं इफ आई टेक नेम्स तो मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे लोगों के नाम लेना भूल जाऊंगी, बट एक एक जो मेरे क्लोज है उन्होंने मतलब ये चैनल को मेरा मिशन नहीं अपना मिशन लिया, मतलब मैंने बोला कि यार 1 ईयर होने वाला है अभी तक 1K नहीं हुआ, तो बोले कि आप टेंशन नहीं लेना है, ये हमारा वी हैव गिवन दिस टारगेट टू आर सेल्फ कि हम आपका 31 दिसंबर तक हमारे 1000 चैनल को कंप्लीट कर देंगे, हम हो जाएगा। तो मैं बोलती थी यार मतलब, और वो 31 दिसंबर को नहीं, कब हो गया था वो हमारे 1K, 25 दिसंबर को ही, ऑन अ वेरी स्पेशल डे क्रिसमस के दिन ही हमारे 25 दिसंबर को ही हमारे 1K हो गए थे, तो इट वॉज was working or he was working, हमारे लिए बहुत लोग काम कर रहे थे, बहुत मैंने भी work किया, बहुत ज़्यादा work किया, क्योंकि 999 पे मम्मी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, he's right, 999 पे, right, तो क्या हुआ कि so there are lot of people, lot of my close ones or which are my extended family, relations are not made only by blood, वो हम अपने दिल से बनाते हैं और वो मेरे दिल से बनाए हुए रिश्ते हैं, नो ब्लड रिलेशन, बट दे आर माई सोल मेट्स, माई स्ट्रेंथ, उनकी वजह से ही ये पॉसिबल है, उनकी एक एक की वजह से, तो मैं नाम लूँगी तो मैं किसी का मिस हो जाएगा, बट विद फोल्डेड हैंड विद ग्रैटिट्यूड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ईच वन ऑफ देम जिन्होंने मेरे लिए और हमारे चैनल के लिए इतना काम किया, अपना चैनल समझ के, अपना समझ के इतना हमारे लिए सपोर्ट किया, तो आई वांट टू टेल यू कि हमारे पास वो हमारे वीडियोस में नहीं आया पर फिर भी उन्होंने बैक से बहुत हेल्प किया, बैक एंड पे उन्होंने बहुत हेल्प किया, कुछ उनमें से कुछ कुछ आए भी है, जैसे एक मेरी मासी आई थी, कोई श्वेता दीदी आई थी, बहुत लोग हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम बिकॉज कुछ छूट जाएगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज अगर किसी ने एक ने भी सब्सक्राइब किया मेरे लिए वो भी उतना इम्पोर्टेंट है,
एवरी वन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो हमारा लिटरली बूंद बूंद से घड़ा भरा है। और अगर आप देखोगे कमेंट्स में जाके हमारे हर बार जो दीदी हमारे जैसे जो मम्मी ने बोला श्वेता दीदी, वो हमारी हर एक वीडियो पे कमेंट करती है। एंड अब बात करते हैं कि यू नो सब्सक्राइबर्स किधर से कैसे, तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे मतलब हमें पूरे हिंदुस्तान से प्यार मिला है, इन द सेंस कि ये 1000 कोई बहुत बड़ा फिगर मे भी नहीं हो सकता बहुतों की नज़रों में, बट मुझे मैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें पता है ये हमारा बेस है, अब इससे हम आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ना है, देर इज़ नो यू नो देर इज़ नो वे आउट, अब हमें आगे ही जाना है। तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स यूपी से हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर्स बिहार से हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर्स राजस्थान से हैं, पंजाब से, हमारे पास पंजाब से हैं, और हमारे पास वेस्ट बंगाल से हैं, हमारे पास हिमाचल से सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये हरियाणा से हरियाणा, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, हरियाणा से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे मतलब जहाँ जहाँ से मतलब हमें हमारे यू नो वी हैव फ्रेंड्स एंड यू नो वी हैव आर यू नो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, जो भी जहाँ से होता है वो वहाँ से हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो इट्स लाइक कि फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ यू नो, अभी हमारा साउथ इंडिया थोड़ा अनटच्ड है और महाराष्ट्र थोड़ा अनटच्ड है, तो वो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र और साउथ और गुजरात भी हमारे साथ थोड़ा जुड़े, और बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारे नॉर्थ तो हमारा पूरा कवर्ड है, यूपी बिहार हिमाचल वेस्ट भी, वेस्ट का भी थोड़ा पार्ट, यूपी बिहार पंजाब हिमाचल सिक्किम नॉर्थ ईस्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट नॉर्थ ईस्ट, हमारे पास सिक्किम से सब्सक्राइबर्स है गाइज, तो यू नो असम, हाँ असम से भी है, मणिपुर असम सब जगह से, सो यू नो थैंक यू सो मच एवरी वन फ्रॉम आर बॉटम ऑफ आर हार्ट फॉर सपोर्टिंग अस, यू नो वी हैव नो वर्ड, एंड द ओनली थिंग वी कैन से इज़ दैट हम अपनी कोशिश और अपनी वीडियोज़ बनाना कंटिन्यू रखेंगे, आप प्लीज़ हमें प्यार करना, सपोर्ट करना, कंटिन्यू रखना। एक बात और बोलनी थी कि यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक्स बिकॉज उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे शुरू से यू नो एक जो मुझे जानते हैं क्लोजली वो जानते हैं कि मुझे बात करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे यही आता है, लिटरली यही आता है, तो और सब लोग कहते हैं कि बोलते अच्छा हो, तो मैं यू नो यही मेरा काम था और यही मुझे करना भी पसंद था, तो इस चैनल की वजह से ये सब हो पाया और ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और दो न्यूज़ हमें आपसे शेयर करनी है, एक न्यूज़ मैं बताऊंगी, एक न्यूज़ आदि बताएगा, फर्स्ट न्यूज़ ये निंजा, हाँ एक ये लिटिल एक्स निंजा बताएगा, ग्रोन अप हो गया है, आप फर्स्ट वीडियो देखो और अब वाली वीडियो देखो, पहले में बच्चा लगता था, मैं ग्रोन अप हो गई हूँ, मैं 10 का हो गया हूँ, हाँ ये 10+ हो गया है, तो हमारा यू नो आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग एंड पुटिंग माय थॉट्स, तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट मेरे यू नो एवरी डे की जो भी वट एवर आई फील एवरी डे, यू नो आज मेरा मूड कुछ और सोच रही हूँ मैं, इफ़ आई एम थिंकिंग कि आज ऐसा दिन है या फिर यू नो सिचुएशन के हिसाब से आई टेक अप कोट्स फ्रॉम गूगल एंड अदर प्लेसेस और फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन देती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे फ्रेंड्स हैं आई पुट अप दैट थाट्स एंड माई ओपिनियन ऑन माई स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस, बट वो यू नो एवरीबडी डजेंट हैव माई नंबर, बट द फ्रेंड्स हु सी माई स्टेटस एवरी डे एंड see my point of view on that particular thought or on that particular quotation, उन सबको बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी experience है हमें, काफ़ी लोगों से मिली हूँ मैं, मतलब जितना भी मेरा एज है मैंने you know thousands of students से मैं मिली हूँ of all ages, because जिस area में मैंने आपको बताया हम रहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं हर जगह से पढ़ाई करने, तो
तो हमें हर स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, तो आई डोंट, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ आईएएस हो गए हैं, कुछ आईपीएस हो गए हैं, कोई यू नो कोई आईबी में हो गया है, कोई पुलिस में हो गया है, कोई इनकम टैक्स पे बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं. तो हर तरह के बच्चों से इंटरेक्शन मेरा काफ़ी रहा है और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स का एक्सपीरियंस बच्चों से सुनने को मिलता है स्टूडेंट से. तो इस वजह से सालों का इतनी लर्निंग, इतना इनपुट मिलता रहा है हर स्टूडेंट से जो हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव हमें देखने को मिला लाइफ का, बिकॉज ऑफ जितना भी हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट से जो यहाँ पढ़ने आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, दिल्ली उन्हें कैसा लगा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, और उनका कल्चर हमारे कल्चर से कैसे डिफरेंट है, उनका खाने का तरीका, उनका पहनने का तरीका. तो बेनिफिट ये हुआ है कि आदि को अब एक ही चीज़ डिफरेंट तरह से खाने का पता चल गया है. राजस्थान में सेम चीज़ किसी अलग तरह से खाते हैं, सेम चीज़ यूपी में अलग तरह से खाते हैं, सेम चीज़ अगर आप बिहार या पंजाब जाएंगे वो अलग तरह से खाते हैं. हर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ हर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं. हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से, हमारे पास हरियाणा के बच्चे बहुत हैं, हमारे पास यूपी से स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हरियाणा से, यूपी से, नॉर्थ ईस्ट से, बिहार से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के स्टूडेंट्स काफ़ी रहे हैं. तो ये मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस जो हमें मिला है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड प्रस्पेक्टिव हुआ है. हर किसी से बात करके उनका नज़रिया जानने को मिलता है. और आदि के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसको इतना ज़्यादा इनपुट मिलता है इन सबसे, कि काफ़ी मुझे लग रहा है इसको हेल्प करेगा अपनी कंट्री को जानने में, अपने रूट्स को पहचानने में, और इंडिया हमारा कितना रिच इन कल्चर है ये जानने में, और इसको फील करके प्राउड करने, अंदर से प्राउड हो वो, इसको वो देख रहा है, वो सीख रहा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो मेरे बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे थॉट्स होते हैं उस पर जो मैं ओपिनियन देती हूँ, तो मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स जो वो रीड करते हैं वो बोलते हैं कि यामिनी ये बहुत अच्छा तेरा ओपिनियन होता है इस चीज़ पे, तो व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन पेपर. बट आई कैनॉट डू दैट बिकॉज आई हैव आई कैनॉट इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन राइटिंग दैट. प्लस आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट राइटिंग एज वेल, बट मुझे स्पीकिंग इज मोर कम्फर्टेबल. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वाई नॉट यू विल टेक अप दिस थिंग, कि आप एवरी डे का जो भी थॉट ऑफ द डे है उसका एक छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं, तो आप बोलते हो बहुत लंबा वीडियो करते हो यामिनी, कम करो कम करो. मम्मा ने वीडियो बनाया 20 मिनट्स का, पर तो वो भी अकेले कुछ नहीं था, मैं उसमें था फिर नहीं, फ्रेंड भी नहीं था. तो मेन बात ये है कि उन्होंने मुझे बोला है कि थॉट ऑफ द डे आपको बनाना है, जिसमें आप अपना जो भी मेरा उस पर्टिकुलर थॉट पे ओपिनियन होता है वो मैं देती हूँ. तो वो मैं 1 मिनट का शॉर्ट, वी विल ट्राई कि हम एवरी डे वो शॉर्ट डालें, सो दैट कनेक्ट भी रहे आपसे, बिकॉज वीक में एक वीडियो डालने पे इतना कनेक्शन नहीं होता है. और शॉर्ट्स हमारे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट्स की वजह से हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, ये बात मैं कहना भूल गई, ये बात मैं अभी दोबारा बता देती हूँ आपको, कि हमने लास्ट ईयर ही अक्टूबर नवंबर से ही शॉर्ट्स डालने शुरू किए, और हमारे शॉर्ट वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, और उसी की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़े हैं. मतलब सडनली हम सेप्टेम्बर के आसपास हम 400 कुछ पे थे, और सडनली हमारे कुछ शॉर्ट वीडियोस और कुछ वीडियोस हमारे बहुत अच्छे लोगों को पसंद आए, और हमारे एक दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब 1.5 डेज में हमारे 350 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे. और एक हमने शॉर्ट अपलोड किया उसमें 4.4 लाख व्यूज हो गए. अभी भी जाके देख सकते हैं. तो इसीलिए हमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो हमारा चैनल बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत क्लोजली मुझे जानते हैं, उन्होंने बोला कि आप ये 1 मिनट का शॉर्ट्स एवरी डे बना रहे हो, जिसमें जो आप बोल नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, अपने स्टेटस पे डालते हो, वही आप यूट्यूब में शॉर्ट्स में डालो, तो आपका पर्सपेक्टिव ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म लोग भी देख पाएंगे, और it will be my opinion entirely. तो मे भी बहुत लोग agree करें या ना करें, but this platform is like that, कि आप अपना opinion दे सकते हो. If you are not degrading anyone, it will be my opinion entirely.
और सेकंड जो न्यूज है वो आदि आपको देगा। आई विल टेल। या टेल। जैसे मैंने शुरुआत में चैनल की सोचा था, हमारा एक हिडन चैनल टाइप है, वो हमने इससे भी पहले बनाया था। ट्रू। उस पर हमने एक भी वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं किया। हमने सोचा था इस पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तब हम उस पे वीडियो डालेंगे, और सिर्फ मैं। Entirely his. ये भी मुझसे परेशान है। तो वो होगा आदि का। वो पर्पस नहीं है। वैसे मैं मेरा वो अपना चैनल होगा, उस चैनल का नाम लिटिल एक्स निंजा होगा। इसका नाम बहुत ज्यादा सेम है, इसका लिटिल एक्स निंजा टेल्स है, उसका लिटिल एक्स निंजा है, बस टेल्स का डिफरेंस है और कंटेंट डिफरेंट है। उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है इससे। क्या कंटेंट है? कंटेंट वो गेमिंग चैनल है। वो एक गेमिंग चैनल है बिकॉज इसको गेम्स का बहुत शौक है। तो मैंने इसको बोला था कि आदि आई डोंट प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले, तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट, सो लेट मी we will start this channel, we'll make a base, then you can probably start up your gaming channel. Aur is base pe hum usko bhi wo bhi if people will start liking you, then they will probably will subscribe your other channel also. So please hamare dusre channel ko bhi itna hi pyar dena, aur bhool chuk maaf agar koi galti ya kuch humne वीडियो में एनीथिंग कुछ भी गलत बोला हो तो सॉरी, और बट कीप सपोर्टिंग अस, और वी विल ट्राई टू इम्प्रूव ईच डे विद ईच वीडियो, विल ट्राई हार्ड एंड हार्ड टू टू गिव यू कॉन्टेंट, टू मेक यू हैप्पी, टू गिव यू कॉन्टेंट, टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, फुल ऑन मस्ती, जेन्युइन रिव्यूज ऑल्सो इस पर मेरा फोकस रहता है कि जो भी व्यू हम किसी भी जगह का दें वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ अच्छी अच्छी ही बोली जाए। अगर कुछ उसमें ऐसा है जो सही नहीं है तो वो भी मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, सो दैट जेन्युइन कोई जाए तो वो मेरा वीडियो देख के अगर कोई कहीं जा रहा है वो ये नहीं बोले कि भैया बोला तो था इतना अच्छा है पर निकला नहीं, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत बहुत बारी हो चुका है। आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, वी वेंट टू वन प्लेस, whenever we go to any new place, तो हम नॉर्मली हम सब यही करते हैं कि हम एक हम उसका वीडियो देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी प्लेसेस हैं घूमने के लिए और वहाँ पर कौन सा ईटिंग का जॉइंट्स है जो फेमस है। तो इसी तरह आई नॉट नेम द प्लेस बट मैं उसका वीडियो देख के कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं वहाँ गई और मतलब मेरा ट्रेन का टाइम होने वाला था बट मैंने बोला मुझे तो वो खा के ही जाना है। अब वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो पे बताना कि इतना उन्होंने वीडियो पे इतना अच्छा बताया था कि वो बहुत अच्छा है। मैंने इसको छोड़ा नहीं, उसका वीडियो हमने बनाया नहीं, तो तब हम वीडियो नहीं बनाते थे। तो मैंने इसको छोड़ा होटल में ही और मैं अपने हस्बैंड को लेके चली। मैंने कहा इतना लंबा चलना है, ही विल नॉट बी एबल टू, और ट्रेन मिस हो जाएगी, हम भागे भागे जाएंगे पर हम खा के ही आएंगे क्योंकि वीडियो देखी थी, इतना इतना मेरा मन था उसको खाने का। मैंने कहा मैंने जाना है पहले, भैया हम इतना दूर गए वॉक करके, और जब एक और ऐसी जगह थी उसकी हमने वीडियो बनाई है वो मेरे को ठीक लगा पर मम्मी को थोड़ा अलग अपना अपना ओपिनियन है। बट फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे हमने वो खाया तो मुझे लगा यार व्हाट द हेल, ये मतलब क्या वीडियो में बताया था एंड इट इज कहीं से भी इट इज़ नॉट मैचिंग। ऐसा फूड तो मतलब मैं बता रही हूँ कि आई एम नॉट अ गुड कुक, फिर भी मैं बना लूँगी, प्लस मैं नहीं बनाऊँगी तो ये दिल्ली में आप किसी भी गली के कोने में भी चले जाओगे ना, किसी ठेले से भी खा लोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन इतना आप हाइप क्रिएट करके इतना अच्छा बोल के हम वहाँ गए और मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं था उसमें कुछ नहीं। तो मैंने सोच लिया भाई ये मिस, कभी कभी कुछ वीडियोस मिसलीड भी करते हैं, तो हम मैं नहीं चाहती कि अपना कोई भी वीडियो मिसलीडिंग बनाऊँ, तो इसीलिए जो जेन्युइन होता है मैं बोल देती हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने पे नहीं की करता है दैट रेस्टोरेंट की मेरे लिए अच्छा बोलो, और कभी कभी पे करेंगे भी तब भी मैं नहीं बोलूँगी, जो जेन्युइन है जो सच है और जो मेरे जो मुझे मेरा ओपिनियन है वो मैं ज़रूर बताऊँगी, बाकी आप सभी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है करके। तो अभी कटिंग शॉर्ट द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन। हमें बोल के अच्छा लगता है कि हमारे 1K फ्रेंड्स हैं, सिर्फ 1 ईयर में हमारे 1K फ्रेंड्स बन गए हैं। ट्रू, और 1K से आगे जाना है भाई, और 1K से 2K। मेरे को तो मैं उस पे बहुत ज्यादा कंटेंट बनाना चाहता हूँ अपने सेकंड चैनल पे, क्योंकि मेरे को गेम्स बहुत पसंद है।
मैं स्टडी कर लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और अब मैं उस पे भी गेम्स बहुत पसंद है और मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं बोलते उसको छोड़ने के लिए। तो कटिंग शॉर्ट, शॉर्ट तो नहीं हुआ, ये लॉन्ग ही हो गया एज ऑलवेज, बट कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड यू आर फैमिली, वी आर फैमिली नाउ ऑफ 1K एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए और शॉर्ट्स को भी देख लिया करो प्लीज, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो ताकि पता चले कि हमारा वीडियो आ गया है। एवरी डे वी विल ट्राई टू पोस्ट अ शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग तो हम करेंगे और अभी अभी जस्ट 1K हो गए, अभी रुकना नहीं है गाइज, हम भी नहीं रुकेंगे, आप भी मत रुको सब्सक्राइब करने को, 1 मिलियन पहुंचना है, अगला फीड पर हम हो गए 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। It's time to stop. Yes. 200 million subscribers. Yes. हम होंगे. Yes. Next. Yes. और एक वीडियो होगी हमारे 5 मिनट की भी, उसमें हमें 1 hour 5 hours बहुत टाइम लग जाता है, और प्लीज तो फिर शेयर करना, सपोर्ट करना, बेल आइकन दबाना प्लीज, ताकि आपको ऑन रखना ताकि वीडियोस का पता चले। चलो बिडिंग अडियो and saying thank you with folded hands, keep supporting and keep loving, say YouTube. Congratulations, thank you.